नमस्कार, आदाब। बज़्म में मुंशी प्रेमचंद में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको एक दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अफसाने मैं लगातार YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, वो मैंने प्रेम गोपाल मित्तल के ज़रिए तरतीब और इंतखाब किए गए उनकी किताब प्रेमचंद के 100 अफसाने से लिए हैं। प्रेम गोपाल मित्तल उर्दू में उर्दू की काफ़ी खिदमात की हैं और इस अफसाने के शुरू में जो उनका दिबाचा है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ताकि सनद रहे कि मैंने ये सारे अफसाने प्रेम गोपाल मित्तल साहब की किताब प्रेमचंद के 100 अफसाने से लिए हैं। हरफे चंद में जो दिबाचा है किताब का, उसमें प्रेम गोपाल मित्तल साहब कहते हैं, प्रेमचंद के 100 अफसाने का पहला एडिशन 17 साल पहले 1990 में जब शाये हुआ, तब उर्दू में प्रेमचंद की बहुत कम मतबूआत दस्तियाब थी। वारदात, बेवा, गबन, मेरे बेहतरीन अफसाने और बस। हाँ, चंद मुंतखब अफसानों की एक मुख्तसर सी किताब और भी। तब मुझे प्रेमचंद के मुंतशर अफसानों से एक भरपूर इंतखाब मुरतब करने का ख्याल आया और नतीजन पेश नज़र किताब वजूद में आ गई। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब प्रेमचंद की बेशतर कुतुब उर्दू में दस्तियाब हैं। कौमी उर्दू काउंसिल ने प्रेमचंद का कुल्लियाती 24 जिल्दों में शाये कर दिया है, जिसकी मजमूई कीमत 4000 रुपये के करीब है। इस सूरत में अफसानों के इस इंतखाब के दूसरे एडिशन की चंदा ज़रूरत न थी, लेकिन मेरे जहन में इसका जवाब है। काउंसिल से मतबूआ कुल्लियात के बारे में आम तासुर यह है कि उसमें अगलात की भरमार है और अफसानों को भी किसी ख़ास तरतीब से शामिल नहीं किया गया है। उनकी तरतीब के वक्त दस्तियाब हिंदी कुतुब को मलहूज रखा गया और जिस तरह हिंदी में तरतीब पाई गई, उसी तरह उन्हें उर्दू का जामा पहना दिया गया। बहुत से अफसानों को उर्दू रूप देते हुए उनके हिंदी उनवानात ही दे दिए गए, जबकि उर्दू वालों के जहन में इन अफसानों के उर्दू उनवानात पहले से महफूज थे। कुल मिलाकर कुल्लियात की तरतीब में एक तरह की बेतरतीबी राह पाई गई, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जैसा आप किताब के मुकदमे में जो पहले एडिशन के इशात के वक्त लिखा गया था मुलाहजा फरमाएंगे, मैंने हत्ताउल इम्कान कोशिश की है कि प्रेमचंद के ये अफसाने उनकी तख्लीक की तकरीकी तारीखी तरतीब से दिए जाएँ और ये वजाहत भी कर दी जाए कि ज़ेर मुताला अफसाना पहले उर्दू में लिखा गया या हिंदी में। प्रेमचंद के फिक्र फन पर उर्दू में कुछ कम लेकिन हिंदी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके बावजूद लगता है अभी भी बहुत कुछ और लिखा जा सकता है और ऐसा हर बड़े फनकार के साथ होता है। इस इंतखाब में यहाँ इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगु का महल नहीं। अलबत्ता ये जानना दिलचस्प होगा कि प्रेमचंद कहानी का ताना बाना किस तरह बुनते थे। खुद प्रेमचंद के अल्फाज में, मेरे किस्से अक्सर किसी ना किसी मुशाहदे या तजुर्बे पर मबनी होते हैं। उसमें मैं ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मगर महज वाक़े के इजहार के लिए मैं कहानियाँ नहीं लिखता। मैं उसमें किसी फ़लसफियाना जज्बाती हकीकत का इजहार करना चाहता हूँ। जब तक इस किस्म की कोई बुनियाद नहीं मिलती, मेरा कलम ही नहीं उठता। ज़मीन तैयार होने पर मैं कैरेक्टरों की तख्लीक करता हूँ। बाज़ औक़ात तारीख के मुताले से भी प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन कोई वाक़या अफसाना नहीं होता जब तक वो किसी नफसियाती हकीकत का इजहार ना करे। मैं जब तक कोई अफसाना अव्वल से आखिर तक जहन में ना जमा लूँ, लिखने नहीं बैठता। कैरेक्टरों का इख्तरा इस अखबार से करता हूँ कि अफसाने के हजबे हाल हूँ। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता कि अफसाने की बुनियाद किसी पुरलुत्फ वाक़े पर रखूँ। अगर अफसाने में नफसियाती क्लाइमेक्स मौजूद हों तो वो खा किसी वाक़े से ताल्लुक़ रखता हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। अभी मैंने हिंदी में एक अफसाना लिखा है जिसका नाम है दिल की रानी।
मैंने तारीख़ इस्लाम में तैमूर की ज़िंदगी का एक वाक़या पढ़ा था जिसमें हमीदा बेगम से उसकी शादी का जिक्र है। मुझे फ़ौरन उस तारीखी वाक़े के ड्रामाई पहलू का ख्याल आया, तारीख़ में क्लाइमेक्स कैसे पैदा हो इसकी फ़िक्र हुई। हमीदा बेगम ने बचपन में अपने बाप से फ़न हर्ब की तालीम पाई थी और मैदान जंग में कुछ तजुर्बा भी हासिल किया था। तैमूर ने हज़ार बार तुर्कों को कत्ल कर दिया था, ऐसे दुश्मन कौम से एक तुर्क औरत किस तरह मानूस हुई, यह उकदा हल होने से क्लाइमेक्स निकल आता है। तैमूर वजीह न था, इसलिए ज़रूरत हुई कि उसमें ऐसे अखलाकी व जज्बाती मुहासिन पैदा किए जाए जो एक आली नफस खातून को उसकी तरफ मायल कर सके। इस तरह वो किस्सा तैयार हो गया। कभी कभी सुने सुनाए वाक़यात ऐसे होते हैं कि उन पर अफसाने की बुनियाद आसानी से रखी जा सकती है, लेकिन कोई वाक़या महज लच्छेदार और चुस्त इबारत में लिखने और इंशा परदादाना कमालात की बुनियाद पर अफसाना नहीं होता। मैं उनमें क्लाइमेक्स लाजमी समझता हूँ, और वो भी नफ्सियाती। ये भी ज़रूरी है कि अफसाने के मदारिज इस तरह कायम किए जाएंगे क्लाइमेक्स कुर्ब तर आता जाए। जब कोई ऐसा मौका आ जाता है जहाँ ज़रा तबीयत पर ज़ोर डालकर अदबी या शायराना कैफियत पैदा की जा सकती है, तो मैं उस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। यही कैफियत अफसाने की रूह है। प्रेमचंद की बेगम शिवरानी देवी की लिखी हुई प्रेमचंद की सवाने प्रेमचंद घर में हिंदी में बहुत पहले शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी तक उर्दू में मुंतकिल नहीं हुई थी। पाकिस्तान के सैयद हसन मंजर ने उसे उर्दू रूप दे दिया, जिसे हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने ख़ास अहतमाम से शाये किया। हसन मंजर साहब प्रेमचंद के आशिकों में हैं। इससे कबल वो प्रेमचंद के नामुकम्मल हिंदी नावल मंगलसूत्र को भी उर्दू रूप दे चुके हैं, और जिसे मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने शाया किया है। ये कोशिशें इस बात की दलील हैं कि फ़नकार सरहद और ज़बान का असीर नहीं होता। अच्छा अदब कहीं कभी और किसी ज़बान में तख्लीक हो, उसकी पज़ीराई यकीनी है। इसमें ज़मीनी या मजहबी सरहदें हरगिज़ हायल नहीं हो सकती। इस सवाने उम्री की बड़ी खसूसियत यह है कि उसमें प्रेमचंद की ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशे सामने आते हैं जिन्हें और कोई भी शायद बयान न कर पाता। इसके ज़रिए हम प्रेमचंद के बाद फिक्री रवैयों से रूशनास होते हैं, जिनके तवसुत से उनके फन की सतह और रौ की कुछ जहतों की शनाख्त में आसानी हो जाती है। सैयद हसन मंजर ने अपने पेश रज़ में प्रेमचंद के फ़िक्र फ़न पर भी तफसीली बहस की है। वो इस मुताले में इतनी दूर तक और इतनी गहराई तक गए हैं कि कांग्रेस तहरीक और महात्मा गांधी की सरगर्मियाँ तक अहाते तहरीर में आ गई हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के तई प्रेमचंद के रवैये की उन्होंने तायद वकालत की है और उन्हें हर महाज पर जायज़ ठहराया है। देही ज़िंदगी के तई प्रेमचंद के झुकाव को बाज़ हल्कों में कोरी सतहियत और जज्बातियत करार दिए जाने के बारे में हसन मंजर का कहना है। प्रेमचंद के बारे में यह कहना कि किसानों से उनकी मोहब्बत जज्बातियत पर मबनी थी और देहाती ज़िंदगी से उनका वास्ता सतही था, गैर ज़रूरी तनकीद करने वालों की उनकी ज़िंदगी से नावाकफियत को ज़ाहिर करता है। हकीकत यह है कि मौसमों के बदलने का बयान और उनके साथ उभरती लहलहाती खेतियों का जिक्र, जिनसे किसानों की उम्मीदें और खुशियाँ वाबस्ता होती हैं और फिर कटने के बाद फसलों का अपने बोने वालों से आँखें चुरा कर उनसे जा मिलना, जिन्होंने ना उनके लिए पसीना बहाया था और ना अपने हाथ पैरों में गट्टे पैदा किए थे, उन पेचीदा बनते बिगड़ते जज्बात का इजहार सिर्फ उन बनते बिगड़ते जज्बात का इजहार सिर्फ जब ही मुमकिन था जब किसी ने आँखें ही खेती बाड़ी के माहौल में खोली हों। स्कूल और शहर जाने का रास्ता बजाय सड़कों के खेतों के बीच की पगडंडियों से चुना होता, ताज़ा तोड़े हुए मटर और बोट को चखा हो, देहात की औरतों के गीत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुने हो और उनमें तसन्नों से आरी पत्ते की बातों को बूझा हो, बड़ी से बड़ी शायरी में भी ढूंढे नहीं मिलती। वो लम्ही को घर कहते थे जहां उन्होंने आंखें खोली थी, बनारस जहां उन्होंने तालीम हासिल की थी, नौकरी की थी, प्रेस खोला था और आखिरी बीमारी की घड़ियाँ गुजारी थी, उनके लिए शहर था। वो आखिरी लम्हों में भी बीवी से कहते रहे, घर चलो, देहात कब चल रही हो, जैसे एक बच्चा बीमार पड़ जाने पर अपनी माँ की गोद के लिए बिलख रहा हो।
खेतों की वो फिजा आखिर दम तक उन्हें अपने पास बुलाती रही। किसी भी बड़ी जबान के बड़े फनकार की तख्लीकात बार बार और नए एहतमाम के साथ छाया हुआ करती हैं। प्रेमचंद का मामला तो दो आतिशा है, वो बिलाशुबा हमारे अजीम शान हिंदुस्तान की दो बड़ी और आलमगीर जबानों उर्दू और हिंदी के यकसां तौर पर नुमाइंदा और बुनियाद गुजार अफसाना निगार अदीब हैं। उनके फिक्र फन पर दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जाता रहेगा, जिसमें प्रेमचंद के फिक्र फन के कुछ नए गोशे उजागर होंगे और नई जहतें सामने आएंगी। उनकी किताबों के भी कई एडिशन नई तरतीब व तहजीब के साथ शाये होते रहेंगे। मैंने पेश नज़र किताब को जिस तरह से तरतीब दिया है, मुमकिन है आइंदा कोई इससे बेहतर शक्ल में नई तरतीब के साथ आपके सामने आए। मेरे पास इस दूसरे एडिशन के इशात का एक जवाब ये भी है कि मेरी मालूमात की हद तक प्रेमचंद के इतने नुमाइंदा और मुंतखब अफसाने एक जिल्द में अब तक शाये नहीं हुए हैं। क्योंकि पहला एडिशन काफ़ी वक्त से अब नायाब है, इसलिए अब दूसरा एडिशन पेश है। प्रेम गोपाल मित्तल, 1 जनवरी 2008।